आप जानते हैं खाओ गली क्या होती है? हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आपको दिखाऊंगी कार्टर रोड की फेमस खाओ गली। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मुंबई में खाओ गली एक ऐसी गली को कहते हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगी खाने की बहुत सारी दुकानें, और कार्टर रोड की खाओ गली मेरी पर्सनल फेवरेट है। सो कम ऑन, लेट मी शो यू अराउंड। खाने की शुरुआत करूंगी मैं गर्मा गर्म पराठों के साथ। वैसे आज तक आप लोगों ने आलू गोभी और पनीर के पराठे तो बहुत खाए होंगे, पर आज मैं आपको दिखाऊंगी कौन चीज और स्पिनच का पराठा। ये देखिए बन रहे मेरे गर्मा गर्म परौंठे, और इन पराठों की खास बात है इनको बनाया जाता है सरसों के तेल में, और ये देखिए कैसे दबा दबा के इनको सेका जा रहा है, और जब ये तैयार हो जाते हैं ना तब इसमें डाला जाता है देसी घी। सो ये आ गया मेरा कॉर्न चीज और स्पिनच का पराठा, और इसके साथ आपको दी जाती है छोटी सी कुल्लड़ में दही और दो तरीके के अचार। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। बहुत गर्म है ये। ऑलराइट, चलिए इस गर्मा गर्म पराठे को खाती हूँ ठंडी ठंडी दही के साथ। भाई ये पराठा तो वाकई बहुत लाजवाब है, चीज़ी और क्रिस्पी होने के साथ साथ मुझे इसके अंदर कॉर्न की हल्की सी मिठास भी आ रही है। अब मैं आ गई हूँ काचा ब्लू, और यहाँ का चिकन शोरबा बहुत ही फेमस है, पर हाँ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप खा सकते हैं यहाँ का पनीर शोरबा। ये देखिए गाइस, इस पनीर शोरबे को बनाया गया है पीटा ब्रेड के साथ, और इसके अंदर स्टफ किए गए हैं पनीर, फ्रेंच फ्राइज एंड पिकल बीटरूट। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। ओके, भाई ये शोरबा तो वाकई बहुत ही कमाल का है। इसके अंदर जो इन्होंने पनीर डाली है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, और इसके अंदर जो पिकल बीटरूट है ना वो बहुत ही बढ़िया टैंगी फ्लेवर ऐड कर रही है। सो शोरबा खाने के बाद कुछ मोमोज हो जाएं। वैसे आप में से कितने लोगों को मोमोज पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ये देखिए गाइस, ये है मेरे फ्राइड मोमोज, और उसके साथ आपको दी जाती है ग्रीन चटनी एंड शेजवान चटनी। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। वाओ, वो भी गर्म है भाई। ये मोमोज तो काफ़ी क्रिस्पी हैं, और शेजवान चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। भाई कार्टर रोड आए हैं तो समुंदर किनारे वॉक करना तो बनता है, और जिन्हें पैदल चलना नहीं पसंद है वो यहाँ समुंदर किनारे ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। भाई चलते चलते तो बहुत गर्मी लगने लगी है, तो चलिए गोला हो जाए। ये देखिए मेरा गोला बनना तैयार हो गया है, और मैंने जो फ्लेवर चूज़ करा है वो है काला खट्टा। वाओ, ये क्रश गाइस कितनी क्यूट लग रही है ना। सो गाइस ये आ गया मेरा काला खट्टा, चलिए ट्राई करते हैं। भाई समुंदर किनारे ये काला खट्टा खाने का तो अपना ही अलग मज़ा है। इट्स डिजर्ट टाइम, और यहाँ कार्टर रोड पे आपको मिल जाएंगे वॉफल, पैनकेक, आइसक्रीम, कुल्फी, चूरोस। तो चलिए कुछ मैक्सिकन चूरोस हो जाएं। सो गाइस ये आ गए मेरे चॉकलेट चूरोस, और ये देखिए इसमें लगा हुआ है ढेर सारा न्यूटेला, आमंड एंड बहुत सारे कलरफुल स्प्रिंकल्स। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। ओके, भाई ये चूरोस तो बहुत ही कमाल के हैं, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, और आप तो जानती हैं ना कि चॉकलेट डिजर्ट मुझे कितनी पसंद है। भाई हर बार की तरह कार्टर रोड पे मुझे बहुत मज़ा आया, और अगर आपका भी मुंबई कभी आना हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, खाइए पीजिए और मौज कीजिए। पर हाँ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।